हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली होता क्या है कि इस कंडीशन में अगर देखा जाता है कि जो हमने पढ़े हैं कि जो जीन होता है, जीन का एक कैरेक्टर से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसमिशन ऑफ जीन वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, इन्होंने जीन एंड सेम दिस कंडीशन दे आर ऑल्सो इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में भी जो होता है बेसिकली इसमें भी जो होता है एक जो पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल में जाता है तो वो सारे जब कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उस कंडीशन में भी जो सारे जीन जाता है वो क्या होता है एक से दूसरे में, दूसरे से फिर तीसरे में, एक जनरेशन से F1 जनरेशन से F2 में, F2 से F3 में, इस तरीके से इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता रहता है। तो इस तरीके इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में अगर देखते हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मेंडल 1865 में, मेंडल ने क्या कहा था 1865 में, मेंडल डिस्कवर जो प्लांट का डिस्कवर किया था और उस प्लांट में जो एक्सपेरिमेंट किया था मेंडेलियन वर्क किया था, उन्होंने पब्लिश किया था मेंडेलियन वर्क, मेंडेलियन वर्क पब्लिश हुआ था 1865 में। 1865 में ये क्या होता है मेंडेलियन वर्क इसको डिस्कवर हुआ था, इस पब्लिश हुआ था। अब इसमें देखा था जो मेंडेलियन वर्क में था, हमने बताया था कि इसका जो सबसे पहले मेंडल ने अपना वर्क किया था जो प्लांट्स के प्लांट पर अपना डिस्कवर किए थे, तो इसमें जो पास्टुलेट्स लिखा था सारे पास्टुलेट के शोध करने के बाद उन्होंने उसका क्या था कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जब नहीं मिला तो वो अपने जो नेशनल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी के अंतर्गत उसको जो पब्लिश होने के बाद उसको रिप्रेजेंट किए उसमें डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद जो था इनका जो बेसिकली जो थीसिस था वो ऐसे ही पढ़ा रहा एज फार एज ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन फिर जो 1900 में जब आया था तो एक रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स थ्योरी 1900 में, 1900 में क्या था उसे रिकॉग्निशन क्या था रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स थ्योरी। मेंडल्स थ्योरी का रिकॉग्नाइज हुआ था और उस मेंडल्स थ्योरी में बेसिकली इसमें देखा जाता है थ्री साइंटिस्ट जो आए थे, वो थ्री साइंटिस्ट कौन कौन से थे, एक देखा जाता डिब्रीज थे, डिब्रीज इसके साथ साथ कोरेंस थे, कोरेंस के साथ साथ सेरमार थे, वॉन सेरमार। थ्री साइंटिस्ट जब ऑलरेडी इनको थीसिस को पास्टुलेट्स को पाया, स्टडी किया और स्टडी करने के बाद फिर देखा कि जो सारे जो मेंडल ने अपना वर्क किया था पब्लिश किया था वो सारे के सारे क्या था उसमें फैक्ट था, यानी सब उसको करेक्ट था। बट इसमें क्या था कि इसके बाद जो था फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया तो उसमें देखा कि बेसिकली जो मेंडल का वर्क था उसमें सपोर्ट नहीं किया था। वो क्या था क्योंकि मेंडल ने जो मेंडल एक कैसे थे मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स थे और ये जो था स्टैटिक्स के उसमें जो अपने रिप्रेजेंट किया था स्टैटिक्स के आधार पर, फिजिकल इसका कोई एविडेंस इसमें नहीं पाया गया था। इसके साथ इनका जो था जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक का जो फिर लाइफ का जो लाइफ साइंस से इसका रिलेटेड थे तो उसमें ज्यादा इसका योगदान नहीं हुआ, मैथमेटिक्स का होने के कारण इसमें ज्यादा इसका योगदान नहीं हुआ। फिर इसके साथ ही साथ उसमें जो देखा था कि इसके अंतर्गत फिर एक साइंटिस्ट आए थे वो 1902 में सटन और बोवेरी आए, एस सटन एंड बोवेरी,
सत्यनंद गोयरी ने फिर इनके प्रोसीजर को आगे बढ़ाया और उसके प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के बाद ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का उन्होंने बेसिकली जो इसमें था मेंशन किया था। और उन्होंने क्या किया था, कंपैरिजन नहीं किया था मेंडल से, क्या कंपैरिजन था मेंडल ने दोनों का, सत्यनंद गोयरी ने अपना थीसिस दिया और मेंडल के आधार पर इन्होंने थीसिस दिया था, वो क्या था मेंडल सेल में इधर ये सत्यनंद गोयरी का थ्योरी था। अब दोनों के एक्सपेरिमेंट में अगर देखा गया, पहला तो बताया थे कि जो मेंडल ने अपना रिप्रेजेंट किया था उस रिप्रेजेंटेशन में क्या था, फैक्टर्स जो होते हैं सभी जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, यानी जो देखा था जो जेनेटिक से इनहेरिटेंस में जो फैक्टर था, फैक्टर्स किसके फॉर्म में पाए थे, ये फैक्टर जो थे पेयर्स के फॉर्म में, जो फैक्टर रिप्रेजेंट किए गए थे, फैक्टर्स रिप्रेजेंट इन पेयर, ये कैसे थे, ये पेयर के रूप में रिप्रेजेंट किया था मेंडल ने। दूसरा, इसी जो फैक्टर्स को क्या था, अगर देखा था इधर इस फैक्टर्स को बेसिकली हम एलील भी कह सकते हैं, बोवेरी ने क्या किया था, बोवेरी ने जो किया था वो बेसिकली सत्यनंद गोयरी ने क्रोमोसोम विच हैव देयर ओन फैक्टर जो जो इसमें दिया था, विच है जीन, मतलब वो क्या था कि जो जीन के ऊपर ही पाए जाने वाले थे, और जो जीन के ऊपर ही जो था विच है जीन इन होमोलागस क्रोमोसोम। इट मीन्स अगर यहां पर देखा तो जो फैक्टर था मेंडल ने क्या था, फैक्टर को रिप्रेजेंट किया था पेयर के फॉर्म में, ये भी होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं क्रोमोसोम, अगर एक देखा तो एक होमोलॉगस के फॉर्म में होते हैं, दूसरा एक हेटरोलॉगस के फॉर्म में होता है। अगर हम लोग देखते हैं किसी जैसे ह्यूमन बीइंग का जो क्रोमोसोमल पार्ट होता है उसमें 26 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से अगर देखा था 26 में से जो 22 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम का, तो जो 22 पेयर्स होता है, 22 पेयर्स कैसा होता है, 22 जो होते हैं वो होमोलॉगस टाइप के होते हैं, होमोलॉगस होते हैं, जबकि वन पेयर जो था प्लस वन पेयर वो कैसा होता है, हेटरोलॉगस होता है। तो ये दोनों टाइप का जो देख रहा था वो कैसा था, फैक्टर जो रिप्रेजेंट किया था मेंडल ने वो कैसा था, ये पेयर के फॉर्म में था, और इसी के कंडीशन में था जो बेसिकली एलील्स क्या होते हैं, एलील्स जो होते हैं ये होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोसाई पर सिचुएटेड होते हैं, एलील्स आर प्रेजेंट इन सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम आर इन सेम लोसाई, यानी जो क्रोमोसोम होते हैं, अगर देखा आता है क्रोमोसोमल पार्ट में मान लीजिए जो क्रोमोसोम होते हैं इसके सेम लोकस पर ही सिचुएटेड होते हैं, जैसे ये क्रोमोसोम होता है इसके सोम लोकस पर ही, एक क्या होता है मान लीजिए ये हो गया आर हो गया, एक और हो गया इसका, इसको देख लेते हैं, ये मान लीजिए इसका ये आर टाइप का, ये आर आर हो गया, ये आर आर हो गया, तो इसके सेम लोकस पर ही जो होते हैं ये रिप्रेजेंट होते हैं, सेम लोकस पर ही रिप्रेजेंट होते हैं, तो ये सेम लोसाई पर रिप्रेजेंट होते हैं। बोवेरी ने बोला विच हैज देयर जीन इन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये बोवेरी का स्टेटमेंट था। इसके साथ ही साथ जो सेकंड फैक्टर था उसमें मेंडल ने कहा था सेकंड फैक्टर में एलील्स क्या होते हैं सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोसाई पर भी पाए जाते हैं, जबकि इसमें भी जो होता है ये भी क्या होता है, ये भी हम बोरे का भी था, ये भी सेम लोकस पर पाए जाते हैं, सोम लोसाई पर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके साथ जो थर्ड फैक्टर्स होता है, थर्ड फैक्टर में अगर हम लोग देखते हैं बेसिकली थर्ड फैक्टर में क्या था, फैक्टर सेपरेट ऑफ द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन, थर्ड पार्ट उसमें देखा था जो फैक्टर्स होते हैं फैक्टर्स सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, अगर इसको देखा होता है फैक्टर्स
नेक्स्ट होता है फैक्टर सेपरेट, और फैक्टर सेपरेट फ्रॉम गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन जो भी फैक्टर होते हैं यानी इंडिविजुअल के जब गैमेट फॉर्मेशन होता है उसी में जो होता है जीन क्या भी होता है एक्सचेंज होते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे पर गैमेट फॉर्मेशन में। जबकि जो अगर बोएरी ने क्या कहा था, बोएरी का स्टेटमेंट था कि बोएरी ड्यूरिंग मियासिस होमोलॉगस, ये क्या होता है, ये बोएरी के अनुसार बोएरी ड्यूरिंग मियासिस जीन आर सेपरेट, जीन आर सेपरेट ड्यूरिंग इक्वेटोरियल क्लोन, इक्वेटोरियल टोरियल प्लेन, यह जो होता है इक्वेटर पर, इक्वेटर पर जब पाए जाते हैं वहां पर यह क्या होता है वो गैमेट फॉर्मेशन के समय, ये कैसा होता है इक्वेटोरियल प्लेन पर गैमेट फॉर्मेशन के समय ये भी चेंज होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन की जगह यहां पर क्या था सेपरेट फैक्टर्स सेपरेट फ्रॉम गैमेट फॉर्मेशन, यहां पर क्या होता है सटन है, ये मेंडल का थ्रू था, दूसरा वो क्या था ये सटन के थ्रू, ये यहां पर सेपरेट किया था इक्वेटोरियल प्लेन पर जो होता है इक्वेटर के साइड में, जब दोनों जो क्रोमोसोमल पार्ट डिवाइड होते हैं तो डिवाइड होने के साथ साथ ये क्या होता है, इसे मान ले ये इक्वेटर होता है तो इसमें जो क्रोमोसोम पार्ट होता है ये क्रोमोसोम पार्ट होता है तो ये इक्वेटर पर डिवाइड होने के साथ साथ ये क्या कहते हैं गैमेट, ये डिफरेंशिएट होते हैं तो यहाँ पर डिफरेंशिएट होने का कार्य करता है ये बोएरी ने बोला था। तो ये मियासिस डिवीजन के ड्यूरेशन में ये डिवीजन डिवाइड होता है। इसके साथ साथ जो था एलिल्स जो होता फैक्टर होता है इसमें एसॉर्ट बेसिकली इंडिपेंडेंटली होता है एलिल्स, नेक्स्ट होता है एलिल्स, एलिल्स बेसिकली कैसे हमने बताया कि एलिल्स जो होता है या फैक्टर जो होता है एसॉर्ट इंडिपेंडेंट, एलिल्स और फैक्टर एसॉर्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट एलिल्स जो होते हैं कैसे होता है इंडिपेंडेंटली एसॉर्ट करते हैं। जबकि अगर बोएरी का क्या स्टेटमेंट था कि ये जो था होमोलॉगस क्रोमोसोम था वो इंडिपेंडेंट एसॉर्ट इन जेंसर होता है, ये भी जो था होमोलॉगस क्रोमोसोम एलिल्स में, अगर बोएरी के अनुसार क्या था जीन बेसिकली वन होमोलॉगस क्रोमोसोम एसॉर्ट इसमें था, वन होमोलॉगस क्रोमोसोम एसॉर्ट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एक बेस यहां पर भी अगर देखा था बेसिकली स्टूडेंट्स यहां दोनों के कंडीशन में यानी ये जो मेंडल का स्टेटमेंट था ये मेंडल्स, मेंडल्स का स्टेटमेंट था ये बोएरी का था, बोएरी का अब दोनों की कंडीशन में देखा था बेसिकली कि क्या था, पहला जो हमने बताया कि फर्स्ट एक फर्स्ट होता है सेकेंड था थर्ड था ये फोर्थ था और ये फाइव, ये फाइव जो करेक्टरिस्टिक फीचर था हमने इसमें क्या था दोनों ने स्टेटमेंट को दिया था। और इस स्टेटमेंट के ड्यूरेशन में बेसिकली अगर देखा जाता है कि यहाँ पर क्या था नियर अबाउट लगभग जो था जो गैमेट फॉर्मेशन होता जो इनहेरिट करता है वो क्या था मेंडल के बेसिस पर ही आधार था, डिपेंड था, आल्सो डिपेंड द मेंडल्स लॉ या मेंडल्स पास्टुलेट अगेंस्ट वन, उसमें देखा था जो मेंडल्स का मेंडल्स फैक्टर्स रिप्रेजेंट इन द पेयर, फैक्टर प्रेजेंट इन द पेयर और जो फैक्टर होता है उसे ही हम एलिल्स भी कहते हैं। यहाँ पर था विच हैज देयर जीन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये कैसा था ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पर जीन के रूप में उपलब्ध प्रेजेंट होता है। एलिल्स जो होता है फैक्टर्स को हम एलिल कहते हैं, ये भी कहते हैं ये प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट किधर होते हैं इट इज प्रेजेंट इन द होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑन सेम लोसाई, दोनों जो होते हैं जीन जो होता है फैक्टर जो होता है किसी भी होमोलॉगस क्रोमोसोम के सोम लोकस पर रिप्रेजेंट होते हैं, यह भी जो होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम पर ही रिप्रेजेंट होता है। इन दिस कंडीशन द होमोलॉगस क्रोमोसोम इन सेम लोसाई
एक क्या होता है, दोनों स्पर्मोसाइट पर रिप्रेजेंट होते हैं। फैक्टर सेपरेट इन द गैमेट फॉर्मेशन, यहां पर अगर देखा था ये क्या था, जब जो गैमेट फॉर्मेशन में ये सेपरेट होते हैं, बट अगर यहां पर देखा था कि ये ड्यूरिंग बॉयलिंग के अनुसार ड्यूरिंग मियासिस जीन सेपरेट ड्यूरिंग इक्वेटोरियल क्लोन, यानी कि जो भी जीन मियासिस के ड्यूरेशन में जो सेपरेट होता है तो दोनों के एक अपोजिट पोल एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक फॉर्म में क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं और उस फॉर्म में क्या होता है ये साइटोकाइनेसिस के थ्रू डाइकाइनेसिस के रूप में ये सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है कि ये बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसी के सेल डिवीजन के आधार पर हम लोग देखते हैं बेसिकली इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर में और क्या होता है, इसमें हम लोग दूसरा देख लेते हैं, दूसरा इसके अंतर देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स, अगर देखा जाता है जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या क्या डिफरेंशिएशन होते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिफरेंशिएट क्या डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन बेसिकली जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डिफरेंशिएशन होता है वो ये कैसा होता है, इसमें जो डीएनए का जो सिंथेसिस होता है रेप्लिकेशन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन प्रेजेंट इन एस फेज ऑफ यस फेज इन इंटरफेज स्टेज, जो था डीएनए का सिंथेसिस किसमें होता है, इंटरफेज की यस स्टेज में ये होता है, ये इंटरफेज में होता है। पहला जो इंपॉर्टेंट होता है पहला सेकेंड होता है बेटा स्टूडेंट, सेकेंड कंडीशन में अगर देखते हैं इन मियासिस ईच पेयर सेपरेटेड होमोलॉगस क्रोमोसोम, इन मियासिस ईच पेयर डिफरेंशिएट इन होमोलॉगस क्रोमोसोम जब भी इसका डिफरेंशिएशन होता है उसमें क्या होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंतर्गत डिफरेंशिएट होता है और ये इस अवस्था को कहते हैं क्रोमोसोम डिफरेंशिएट इन होमोलॉगस क्रोमोसोम दिस इज नोन एज इस और इस सिस्टम में क्या कहते हैं बेसिकली इसे कहते हैं बाईवैलेंट, यानी इसका अगर देखा जाता है ये सभी जो प्रोसेस होते हैं ये एक दूसरे से बाईवैलेंट के फॉर्म में यानी डिप्लॉयड कंडीशन में ही ये सेपरेट होते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन में ही पाए जाते हैं। थर्ड इसको देखा जाता है जो बाईवैलेंट होता है बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन द इक्वेटोरियल प्लेन, बाइवेलेंट जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम होता है वो कैसे होते हैं, बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन द यानी इसका होता स्टेप स्टेप बाय स्टेप अलाइन, इसका मतलब क्या होता है स्टेप बाय स्टेप क्रम से इसे बोलते हैं अलाइन द इक्वेटोरियल प्लेन। इसमें जो होता है कैसा होता है
बाइवेलेंट क्रोमोसोम लाइन द इक्वेटोरियल प्लेन इन मेटाफेज फर्स्ट, इन मेटाफेज फर्स्ट, इन मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट। जब भी इसमें क्रोमोसोम का पार्ट होता है, अगर हम देखते हैं सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये बाइवेलेंट क्रोमोसोम क्या करते हैं, ये सीरियल से क्रमशः क्या करते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पर एक बाय वन बाय वन, यानी जैसे क्रोमोसोम का पार्ट होता है, इस क्रोमोसोम में क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम होता है इसे एक दूसरे से इंटर या इक्वेटर पर क्या करते हैं, सिचुएट होते हैं, ये सिचुएट हो जाते हैं। तो ये जो होता है डिफ्रेंसिएशन जो होता है, ये स्टेप बाय स्टेप में होता है। नेक्स्ट इसका देखा जाता है, जो एनाफेज फर्स्ट स्टेज में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं सेपरेट करता है और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन करता है। एनाफेज फर्स्ट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम, फोर्थ में आगे देखा जाता है, इन एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम, हमेशा हमने बताया था कि जब एनाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, ये इसकी सेपरेट होते हैं, सेपरेट होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स के दौरान में। एनाफेज फर्स्ट होमोलॉगस क्रोमोसोम होमोलॉगस सेपरेट, सेपरेट बाय सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर। इसमें भी देखा जाता है कि जब भी एनाफेज फर्स्ट के कंडीशन में आते हैं तो इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स के अनुसार भी क्या करते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट होते हैं जो, और ये क्या होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स विच एसोसिएटेड विद सेंट्रोसेम, इसके साथ साथ विच एसोसिएट विथ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोमियर का पार्ट होता है, इक्वेटोरियल पार्ट पर जो होता है, सेंट्रोमियर के पार्ट के साथ से क्या होता है, सेंट्रोसोम से के द्वारा ये क्या करते हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है इसमें डेवलप करते हैं और फिर ये डिवाइड करते हैं, खींचते हैं। इसके साथ जो होता है बेसिकली इस डिविजन के फलस्वरूप अगर देखा जाता है, ये एनाफेज सेकेंड में स्प्लिटिंग करते हैं सेंट्रोसोम ऑफ ईच क्रोमोसोम, इन एनाफेज सेकेंड में, नेक्स्ट देखते हैं इसका, इन एनाफेज सेकेंड में एनाफेज सेकेंड में क्या होता है, ये बेसिकली एनाफेज सेकेंड में ये इन्वॉल्व होता है स्प्लिटिंग सेंट्रोसोम, इन्वॉल्व सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम। हमने बताया कि जो जो कंडीशन होता है, इस कंडीशन में क्या करता है, सेंट्रोसोम इन्वॉल्व होता है और प्रत्येक क्रोमोसोम जो होता है एक दूसरे के अपोजिट पोल पर जो होता है सेल के डेवलप कर लेता है, एंड ईच पोल एंड क्रोमोसोम डिफरेंशिएट ईच पोल। और इसके साथ साथ लास्ट में जो होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ड्यूरेशन में क्या होता है, मियासिस, ड्यूरिंग मियासिस क्या होता है, ड्यूरिंग मियासिस डेवलप फोर हैप्लॉइड सेल
इसके साथ साथ क्या होता है, ये फोर हैप्लॉइड सेल में ये डिफरेंशिएट कर देता है। इसमें सब देख लीजिए क्या हमने बताया बेटा, जो सबसे पहले हमने सबसे पहले क्या होता है कि जो सेल डिवीजन के जो फर्स्ट स्टेज जो होता है इस कंडीशन में देखा जाता है, जो सेल डिवीजन होता है, जो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, वो किसमें होता है, एस फेज में होता है। यानी जैसे आप बोला इंटरफेज के, जो बेसिकली इसमें कितने स्टेज होते हैं, एस फेज होता है जीवन, ये जीवन होता है, जीवन होता है, एस फेज होता है, एस टू फेज होता है, जी टू फेज होता है। तो इस तरीके से जो होता है एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसके साथ साथ हमने बताया नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कैसा होता है, सेम होता है ड्यूरिंग इंटरफेज अवस्था में, जिसे बायवेलेंट कहते हैं। यानी जो इंटरफेज की अवस्था में जो क्रोमोसोम पाया जाता है उसे बायवेलेंट कहते हैं, डिप्लॉइड कंडीशन में होता है। इसके साथ साथ हमने बताया जो बायवेलेंट क्रोमोसोम होता है, यह एक इक्वेटोरियल प्लेन पर एक दूसरे के सेंट्रोमियर के द्वारा क्या करते हैं, खिंचाव करते हैं, उसे डिसोसिएट करते हैं। फर्स्ट इसके साथ क्या होता है, एनाफेज फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ये जो सिस्टर क्रोमेटिड होता है सेंट्रोमियर के द्वारा, सिस्टर क्रोमेटिड क्या करता है, वो इन्वॉल्व कर देते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड के द्वारा ये सिस्टर क्रोमेटिड क्या करता है, इसे एसोसिएट होता है, जो डेवलप करने का कार्य करता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है इसमें जो मेन फैक्टर होता है। अब इसके साथ साथ हम लोग जो देखते हैं बेसिकली जो इसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन के अनुसार कैसे, अगर इसमें समझ लिया बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है समझिए, ड्यूरिंग मियासिस क्या होते हैं, टू क्रोमोसोम होते हैं। एक क्रोमोसोम ये होता है। इसके साथ साथ इसमें अगर देखते हैं एक ये होता है, इसे हम कह सकते हैं, इसे आर कह सकते हैं। दूसरे को हम क्या कह सकते हैं, इसे हम ये एक डोमिनेंट होता है, एक डोमिनेंट होता है, दूसरा क्या होता है इसका रिसेसिव होता है। इसी कंडीशन में इसी के संदर्भ में सेंस में क्या होता, दूसरे में देख लेते हैं, एक होता है डोमिनेंट और ये वाई हो गया और ये हो गया वाई हो गया। आर हो गया, इसके साथ क्या हो गया, कैपिटल आर, इसमें हो गया एक वाई हो गया, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, ये हो गया कैपिटल वाई, एक हो गया इसका स्मॉल वाई। दो गैमेट होते हैं, इसका दो फॉर्मेशन होता है। अब इसका जो बायवेलेंट मियासिस फर्स्ट में क्या होता है, मियासिस फर्स्ट में अगर देखते हैं, ड्यूरिंग मियासिस फर्स्ट मियासिस फर्स्ट में देखते हैं, दो पॉसिबिलिटीज इसमें होते हैं। वो क्या होता है, पहला जो पॉसिबिलिटी जो बनेगा, पहला पॉसिबिलिटी एक वन टू थ्री फोर, फिर इधर हो जाएगा वन टू, फिर हो जाएगा फोर। यानी अगर इसका देखा है तो जो बेसिकली जो गैमेट बनेगा उस कंडीशन में,
पहला जो होता है एक्स वाई कंडीशन में, ये बन जाएगा इसके साथ जो एक्स वाई होता है, ये हो जाएगा इसका, ये भी हो जाएगा इसका, आर हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, और ये स्मॉल वाई हो गया। अब तीसरे के कंडीशन में हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो गया बेटा, ये चार प्रकार के पेमेंट बनेंगे। इसमें देखिए क्या होता है, ये हो गया कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल आर, इसका जो होता है ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर हो गया कैपिटल आर कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई। ये चार प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट जो गैमेट बनेगा इसको देखते हैं। जो नेक्स्ट होता है जर्म सेल के रूप में, ये कैसा होता है, जर्म सेल के रूप में प्राप्त होता है, मियासिस फर्स्ट के लिए होता है। अब देखते हैं मियासिस सेकेंड में क्या होता है, मियासिस सेकेंड के लिए, मियासिस सेकेंड में क्या होता है, ये हो जाएगा एक दो फिर होता तीन चार, इसका हो जाएगा एक दो थ्री एंड ए फोर। और ये इधर क्या होता है बेटा, बेसिकली मियासिस सेकेंड की कंडीशन में ये जो डेवलप होता है, बेसिकली ये वाई हो गया, ये भी वाई हो गया, दूसरे कंडीशन में ये डेवलप हो गया, ये डेवलप हो जाएगा, थर्ड कंडीशन में देखा जाता है इसमें ये चेंज होता है, ये इसमें आ जाएगा, ये इसमें चेंज होता है, चेंज। इट मीन्स यहां पर जो कंडीशन होता है ये कैसा होता है, हियर प्रेजेंट आर 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 आर, इधर हो गया ये हो गया कैपिटल वाई, ये हो गया ए बी वाई, ये हो गया स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया आर ए आर, इधर हो गया कैपिटल और कैपिटल वाई, ये भी कैपिटल वाई। अब इस कंडीशन में नेक्स्ट जो गैमेट बनता है ऐसा देखा आता है, हमेशा जो गैमेट होते हैं सेपरेट हो जाते हैं। कैसे, अगर इसका देखा आता है नेक्स्ट गैमेट में, नेक्स्ट हो जाएगा कैसा, इसका सेपरेट हो जाएगा, फ्री हो जाएगा इसका, सेम कंडीशन, यानी पर देख लेते हैं, एक वन टू थ्री फोर, इसमें मिल जाएगा वन फोर। अब ये जो होता है इसमें इस कंडीशन में बेसिकली देखिए कैपिटल आ, ये हो गया वाई हो गया, ये भी वाई हो गया, इसके साथ ये हो गया वाई हो गया वाई, फिर नेक्स्ट ये हो गया, नेक्स्ट के कंडीशन देखा था ये भी हो गया ये हो गया और ये
ये हो गया। इट मीन्स जो क्रोमोसोम बनते हैं इसमें पहला हो गया आर आर, कैपिटल आर हो गया, ए बी कैपिटल आर हो गया, दूसरे कंडीशन में स्मॉल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, हियर प्रेजेंट। इधर क्या हो गया अगर देखते हैं, इधर वाई हो गया, वाई हो गया कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहां पर अगर देखते हैं स्टूडेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस कंडीशन में अगर देखा जाता है, ये बेसिकली जो गैमेट प्राप्त होता है ये आर वाई, एक आर वाई होता है, फिर सेकंड में कहता आर वाई, दूसरे में भी देखा जाता है दूसरा कैसा मिलता है वो भी आर वाई, तीसरे के लिए अगर देखता है आर वाई इसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरे के लिए कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, नेक्स्ट होता है स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अगर यहां पर देखा था ये जो गैमेट जो प्राप्त होता है बेसिकली ऐसे कंडीशन में, ये जो हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे उसमें क्या मिला था, रेशियो मिला था 9:3:3:1। तो ये जो रेशियो मिलता है तो सेम इसी तरीके से ये डाइहाइब्रिड क्रॉस की तरह ये भी क्या होता है, ये रेशियो प्राप्त होता है, ये कैसा होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस की तरह ये भी प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो होता है बेसिकली इसके कंडीशन में जो ये होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है ये डिप्लॉयड सेल के लिए ये सेपरेट कर देता है। तो यहां पर भी जो होता है बेसिकली ये जो रिप्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सभी से डिप्लॉयड सेल में होता है। यानी जो बेसिकली जो पाया जाता है ये मेंडल ने ऑलरेडी इनको प्रूव कर दिया था। तो यहाँ पर इस बेसिस पर भी जो था कि ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को क्या कहता है, इसमें इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि यहाँ पर जो सारा सेल डिवीजन की जो कंडीशन होता है वो क्या था, एक दूसरे के डिसोसिएट हो गए, एक दूसरे के क्या करें ये सेपरेट हो गया, जिसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इसी के आधार पर अब यहाँ पर जो था दोनों क्या है सेपरेट हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल होता है इसका, आई कलर ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं, आई कलर ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, आई कलर ऑफ इनहेरिटेंस, आई कलर ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल से देखते हैं। इसका जो एग्जांपल होता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, एग्जांपल होता है इसका ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो होता है इसे आल्सो नोन एज क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई कहते हैं, फ्रूट फ्लाई,
फ्रूट फ्लाई कहते हैं, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सबसे पहले जो होता है इसको फ्रूट फ्लाई में इसकी जो साइज होती है, बेसिकली फ्रूट फ्लाई कहते हैं, फ्रूट फ्लाई का जो सबसे स्मॉल साइज का होता है, साइज कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक जो होता है पहला जो कैरेक्टर होता है स्मॉल साइज का होता है, स्मॉल साइज का होता है, जिसमें मेल फीमेल लार्ज होती है, मेल जो होता है स्मॉल होता है, लार्ज दूसरा जो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है पहला ये जो होता है इसकी जो लाइफ स्पान होता है, लाइफ स्पान 2 वीक होता है, लाइफ स्पान कितना होता है 2 वीक होता है। इसके साथ ही साथ जो सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है कि इसका बेसिकली ये फ्रूट फ्लाई पर जो होता है ये राइपन फ्रूट पर पाए जाते हैं, ये डिपेंड होते हैं राइपन फ्रूट पर, जैसे मैंगो बनाना। फोर्थ जो होता है इसका देखा जाता है जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट होता है कि इसके जो बॉडी होता है रेड आई, इसका जो आईज होता है आई रेड कलर का होता है, आईज होता है रेड कलर का होता है, आई रेड कलर, रेड कलर में होता है। फिफ्थ नंबर का जो अगर देख लेते हैं जो रेड आई कलर होता फीमेल में, मेल की कंडीशन में व्हाइट कलर का, व्हाइट इन मेल। इसके साथ साथ जो प्रोजेनी की अगर देख लेते हैं, प्रोजेनी, प्रोजेनी कितना होता है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, इसका जो प्रोजेनी होता है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, इट मीन्स कितना होता है जो वन मेल होता है लगभग 100 ऑफस्प्रिंग का डेवलप करता है, जो एक फीमेल गैमेट्स का जो पार्ट होता है वो कितना होता है 100 इसमें डेवलप करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाता है जो बेसिकली यह जो होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को हम लोग ये पी के अपेक्षा ज्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि इसमें जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसमें डिफरेंट टाइप का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, स्मॉल साइज का होता है, फीमेल जो होता है लार्ज साइज में होते हैं, फीमेल लार्ज होते हैं, लार्ज फीमेल होता है, ये मेल स्मॉल होता है, लार्ज स्पान 2 वीक का होता है, ये रैपिड फ्रूट पर डेवलप होते हैं। रैपिड फ्रूट पर डेवलप होने का सेंस क्या है कि जो रैपिड फ्रूट होता है उसके पिल्स पर यानी सेप्टिक ईस्ट सेल का पाया जाता है, ईस्ट सेल डेवलप करता है। दूसरा होता है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी होता है, जो एक प्रोजेनी होता है इसके 100 ऑफ स्प्रिंग को डेवलप करने का कार्य करता है। इसके साथ ही साथ देखा जाता है जो सबसे इसे क्या कहते हैं ड्रोसोफिला को ये एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में। तो जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का अगर देखा जाता है जो टीएच मादन थे इसको हम एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में यूज करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हम पहले भी बता चुके हैं, किसने दिया था खोज, टीएच मॉर्गन, पहले भी बताया टीएच मॉर्गन पहले भी बता चुके हैं, यहां पर बता रहे हैं एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का जो डिस्क्राइब किया था किसने किया था टीएच मॉर्गन। अब इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है कि यह जो होता है लाइफ स्पान मैंने बता दिया, अब फ्रूट का जो साइज होता है 2 मिलीमीटर होता है, साइज हमने बताया कितना स्मॉल साइज होता है 2 mm का होता है, 2 मिलीमीटर का होता है। अब इसके साथ अगर देखा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका ये भी फैक्टर होता है कि बेसिकली इसे हम कहीं भी इसको लेबोरेटरी में हम ब्रीड कर सकते हैं, इसके साथ साथ
इसका जो लेबोरेटरी में ब्रीड करने के साथ साथ जो लेबोरेटरी में ब्रेड पर ही डिपेंड करता है, ब्रेड पर डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको इजिली इसमें डेवलप कर सकते हैं। अब इसका साथ साथ इसका जो पॉलिथीन, इसके क्रोमोसोम में एक चीज और इंपॉर्टेंट होता है, एक स्लाइनरी ग्लैंड इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, गैस्टर स्लाइनरी ग्लैंड, पॉलीटिन क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन पॉलीटिन क्रोमोसोम प्रेजेंट इन स्लाइनरी ग्लैंड आर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार का, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, स्लाइनरी ग्लैंड आर ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला ये ड्रोसोफिला के स्लाइनरी ग्लैंड में मिलता है जो क्रोमोसोमल एबरेशन को, क्रोमोसोमल एबरेशन को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, क्रोमोसोमल एबरेशन, क्रोमोसोमल एबरेशन इसमें हेल्प करता है, इसमें हेल्प करता है क्रोमोसोमल एबरेशन में, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि जो ये ड्रोसोफिला का जो लार्वा होता है, पॉलीटिन क्रोमोसोम प्रेजेंट इन लार्वा ऑफ स्लाइनरी ग्लैंड, स्लाइनरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला लार्वा, लार्वा ड्रोसोफिला के लार्वा में, इसके लार्वा में जो होता है स्लाइनरी ग्लैंड में इसको क्रोमोसोम, पॉलीटिन क्रोमोसोम पाया जाता है जो इसको क्रोमोसोमल एबरेशन में हेल्प करता है। इसके साथ अगर देखा जाता है कि इसका जो गैमेट जो होता हेटरोगैमेट टाइप का होता है, हेटरोट्रॉपिक टाइप का, मेल और फीमेल गैमेट का जो पार्ट होता है ये हेटरोट्रॉपिक टाइप का होता है, हेटरोट्रॉपिक टाइप का होता है, हेटरोट्रॉपिक टाइप का होता है, ये कैसा होता है हेटरोट्रॉपिक टाइप का, हेटरोट्रॉपिक टाइप, यानी जैसा इसका क्रोमोसोम के लिए होता है तो कैसा होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, एक्स होता है, ये वाई होता है, दूसरा होता है एक्स एक्स, ये एक्स होता है, ये भी एक्स होता है, ये मेल के लिए होता है और ये फीमेल के लिए होता है, तो ये कैसा होता है, इसे हेटरोट्रॉपिक टाइप का होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखा होता है जो जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का सेंस क्या है कि यह जो होता है ये क्रोमोसोमल थ्योरी यानी एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्रोमोसोमल थ्योरी में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बारे में यहाँ तक था बेटा इसका क्रोमोसोमल थ्योरी आप इनहेरिटेंस के लिए, फिर हम आगे इसका एक इसको रिवाइज रिकैप कर देंगे, इसको आप थोड़ा सा एक बार देखिएगा, हाँ, और जो भी डाउट होता है इसको इनबॉक्स में लिख दीजिए, हाँ, थैंक यू बेटा।